तो सबसे पहले जो पहला एमसीक्यू है पास पेपर के अंदर, वो ये है कि हु सेट यू ऑन टू डू इट। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। अब फ्रेजल वर्ब जो है वो है, अब इसमें अगर आप ऑप्शंस देखें, बाकी तो डिस्करेज, मोटिवेटेड, कोऑर्डिनेटेड, वो तो ठीक है। तो इन ऑप्शंस को अगर हम देखें, बाकी सारे तो सिंपल वर्ड हैं, डिस्करेज, मोटिवेटेड या कोऑर्डिनेटेड। जो इसमें इंस्टिगेटेड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है प्रोवोक करना या उकसाना। अब अगर हम इनको कंसिडर करें, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फ्रेजल वर्ब सेट ऑन का मतलब क्या होता है। सेट ऑन का मतलब है टू अटैक अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इस ऑप्शन, इसके मीनिंग पे जाएं, इस फ्रेजल वर्ब के मीनिंग पे जाएं, तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो है डिस्करेज्ड। बिकॉज डिस्करेज, मोटिवेट तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इंस्टिगेट मीन प्रोवोक करना, ये भी नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेटेड भी नहीं हो सकता, तो डिस्करेज ही हो सकता। बिकॉज सेट ऑन का मतलब है टू अटैक अ पर्सन और ऑब्जेक्ट। सो यहाँ इस एमसीक्यू के अंदर हमने दो चीजें सीखी, एक तो सेट ऑन का मतलब और दूसरा इंस्टिगेट का मतलब। और फिर हमने ये देखा कि इसके अंदर हाउ वी कैन यूज दिस थिंग, हु सेट यू ऑन टू डू इट, सो दिस इज डिस्करेज। नाउ ये सेकेंड है आपके पास, ये एमसीक्यू जो है, इडगर इन द प्ले किंग लियर डिस्गाइज हिमसेल्फ एज मैड बेगर कॉल्ड। अब ये प्ले से एक है, प्ले का एक सेंटेंस है जिसमें ये कहा है कि जो एज मैड बेगर कॉल्ड, इसमें इसका एग्जैक्ट, इसमें अगर हम जाएं तो ये डिफरेंट नाम थे। और अगर इस प्ले के ये वर्ड्स पे जाएं तो आप, व्हेन एडगर इज फोर्स टू फ्ली गोलकेस्टर्स हाउस, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ मैड बेगर कॉल्ड पुअर टॉम। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है। अब ये वाला एमसीक्यू इसमें यही है कि जिसने किंग लियर का पूरा प्ले पढ़ा हो तो वो इजीली इसमें बता सकता है। बट ये है कि यूजुअली जो इस जो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था उसमें इसका करेक्ट ऑप्शन है पुअर टॉम। नाउ ये अगेन ग्रामर से रिलेटेड है, ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड। अब इसमें अगर हम देखें, द गिविंग सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट। अब पहली बात तो ये है कि ये मेंटोनिमी, ऑक्सीमोरॉन, सिंसोडेक, आयरनी। अब इन चारों को देखा जाए तो सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट वन के को देखें, तो इस फर्स्ट ए ऑप्शन का मतलब ये है, इज द यूज ऑफ द लिंक्ड टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। यू विल फाइंड एग्जाम्पल ऑफ मेटोनिमी यूज फ्रीक्वेंटली इन बोथ लिटरेचर एंड एवरीडे स्पीच। बट द थिंग इज, जो इसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्या है, इज द यूज ऑफ लिंक टर्म टू स्टैंड इन और फॉर एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए हो, नाउ ही हैज मैनी माउथ्स टू फीड। अब इसमें इसका फर्दर कॉन्सेप्ट देखें इसका, तो जैसे वी विल, ये इस एग्जाम्पल को देखें, वी विल स्वेयर लॉयल्टी टू द क्राउन। अब क्राउन जो है वो बेसिकली ये क्या है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, अब क्राउन का मतलब ये है कि अब जो भी उस वक्त का बादशाह है या क्वीन है उसके साथ लॉयलिटी है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जिसमें लिंक टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को वो लिंक कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन तो इसमें नहीं हो सकता। सेकंड को देखें, अ कम्बिनेशन ऑफ कंट्राडिक्टरी और इनकन्ड्रस वर्ड्स सच एज क्रूअल काइंडनेस। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे लीड बैलून, सिविल वॉर, दीज आर द टू अपोजिट यू कैन से वर्ड्स, पेपर टॉवल, देन वर्किंग वेकेशन एंड नेगेटिव इनकम। अब नेगेटिव इनकम, दीज टू आर द टू यू कैन से डिफरेंट कंट्राडिक्टरी वर्ड्स। सो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको एक्सिमोरॉन कहेंगे। अब थर्ड है आपके पास जो ऑप्शन था,
synecdoche. तो इसमें देखें तो अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ पार्ट इज पुट फॉर द होल सच एज 50 सेल फॉर 50 ships, द होल फॉर अ पार्ट. अब इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें, द व्हाइट हाउस, वेयरिंग हील, ग्रीन थम, द पेंटागॉन. अब ये इसकी एग्जांपल्स हैं, बाय विच अ पार्ट इज पुट फॉर द होल फॉर सच एज 50 सेल फॉर 50 ships. And the last one option is irony. So the use of word that means the opposite of what you really think, especially in order to be funny. Like, I just love watching the same cartoon 5 times every afternoon. It's such a delight. Now, इसमें जो appropriate option लग रहा है, वो ये option लग रहा है. Is the link term to stand in for an object or concept. He has many mouths to feed. So, इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट लग रहा है. आपके ख्याल से इसमें जो ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और इन चारों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको आप डेफिनेशंस शो भी कर दिए हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं. और आपको इसमें कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है एलिजन रेफर्स द फॉलोइंग. अब इसमें एलिजन का मतलब क्या है? रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग, फॉल्स, डाउटफुल स्पीच, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. नाउ एलिजन का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है ईमा या इशारा. नाउ इशारा जब हम इसको मतलब देख रहे हैं तो इस हिसाब से एलिजन इन लिटरेचर एन इम्प्लाइड और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और थिंग और टू अ पार्ट ऑफ अनदर टेक्स्ट. तो इस हिसाब से देखें तो जो करेक्ट ऑप्शन आपको एलिजन का लग रहा है वो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन लगेगा, वो डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑप्शन ही लगेगा. ठीक है. अब इसका ये लिटरेचर से कुछ क्वेश्चन है तो इसको अगर हम देखें तो एलिजन का मतलब ये है रेफरेंस ऑफ पास्ट पर्सन और थिंग. नेक्स्ट है आई वॉज अ बिट अप्रीहेंसिव डेश द थॉट ऑफ attending the festival. अब इसमें देखें कौन सी preposition use हो सकती है. So apprehensive का सबसे पहले मतलब क्या है? Apprehensive का मतलब यह है खौफज़दा. I was a bit apprehensive dash the thought of attending the festival. तो अब इसमें जो correct option लग रहा है वो at लग रहा है, because I was a bit comprehensive, मैं खौफज़दा था at the thought of attending the festival. नेक्स्ट है सच वॉज नॉट माई इंटेंशन. नाउ अब इसमें देखें तो सच क्या यूज होगा. सच को अगर आप देखें तो सच इज अ वेरी सिंपल बट ऑल्सो कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ स्पीच. बाई ग्रामर डेफिनेशन वट यू वुड फाइंड इन ग्रामर बुक्स सच कैन बी प्री डिटर्मिनर और डिटर्मिनर. अब इसका मतलब क्या है, प्री डिटर्मिनर और डिटर्मिनर का मतलब क्या है? तो थोड़ा सा अब हम इसको लाइटली लें तो देख बिल्कुल ये लग रहा है, बट हम इसको ये देखना है. मैं इसका आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ कि प्री डिटर्मिनर होगा तो किस तरह होगा, डिटर्मिनर होगा तो उसका क्या मतलब है. तो इसमें अगर आप देखें तो प्री डिटर्मिनर में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक ही इज सच अ स्विंडलर, आई कांट बिलीव आई फेल फॉर हिज ट्रिक्स, आई डोंट नो शी केम इन टू सच मनी. अब इसमें देखें ये प्री डिटर्मिनर की एग्जाम्पल है और ये डिटर्मिनर की एग्जाम्पल है. तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो इस वक्त एज अ नाउन यूज हो रहा है. सो इट मींस के सच जो है, सच वो वर्ड है जो डिपेंड ये करता है कि ये यूज कहाँ हो रहा है. इस वक्त ये एज अ नाउन यूज हो रहा है. अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स What will happen if our dreams die? अब ये ड्रीम जो है ये एक पोएम है और ये पोएम आपके सामने स्क्रीन पे आ गई. इसमें अगर आप देखें होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर इफ ड्रीम्स डाई लाइफ इज ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई. अब इसमें देखें ये सबसे पहले अच्छा इसमें जो चीज देखने वाली है कि ड्रीम्स जो पोएम थी इसके ऑथर, बिकॉज कुछ जो इससे पहले पास में क्वेश्चन थे
उसमें ड्रीम पोएम के ऑथर का नाम पूछा हुआ था। तो ड्रीम्स पोएम का जो ऑथर है वो है लैंगस्टन ह्यूज। इसकी जो 1901 टू 1967 में डेथ हो गई थी, एंड देन ये आपके सामने पूरी पोएम है। इसको जो पढ़ना चाहते हैं वो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। बट राइट नाउ इस हिसाब से अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है वो लाइफ विल बी होपलेस लग रहा है। तो यहाँ पे हमने दो तीन चीज़ें क्या देखी हैं। अकॉर्डिंग टू ड्रीम्स व्हाट विल हैपन इफ आवर ड्रीम्स डाई, लाइफ विल बी होपलेस। और सेकंड ये कि इसका ऑथर कौन है, लैंगस्टन ह्यूज। नाउ ब्रिंग दीज बिस्किट्स विद यू डेश यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इन केस लग रहा है, बिकॉज ब्रिंग दीज बिस्किट विद यू इन केस यू गेट हंग्री ऑन द जर्नी। इसमें अगर आपको लगता है कि कोई ऑप्शन डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि MCQ 8 का ऑप्शन ये। नाउ कुरान मजीद में कुल रुकू कितने हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जितने भी ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे ऑप्शंस ठीक नहीं है। इसको मैंने वेरीफाई भी किया है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन ये पास पेपर के एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक भी ऑप्शन और जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है कि 1876 में ये रिटायर हुए थे और एज अ जज रिटायर हुए थे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंजा। अब स्टैंजा का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे स्टैंजा होता क्या है। स्टैंजा एन अरेंजमेंट ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ लाइन्स, यूजुअली फोर और मोर, समटाइम्स हैविंग अ फिक्स्ड लेंथ मीटर और रिदम स्कीम, फॉर्मिंग अ डिवीजन ऑफ अ पोएम।
अब डिवीजन ऑफ अ पोएम मीन्स के स्टैंजा जो है वो इसमें इट इज अ डिवीजन ऑफ अ पोएम. नेक्स्ट है आई लव पिज्जा, नाउ कॉमा है एंड देन मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. सूटेबल कंजंक्शन, अब कंजंक्शन इसमें क्या यूज हो सकता है? देयर फोर, आई लव पिज्जा देयर फोर मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट. अब इसमें कॉमा आ रहा है, इसमें हाउ एवर भी यूज हो सकता है, लेकिन इसमें इस पर कॉमा आ रहा है, सो दैट इज वाई हम इसको कुछ इसमें जो आता है वो फर्दर मोर भी लगा रहे होते हैं, बट देर एज यू कैन सी कि कॉमा एंड देयर फोर उसकी रीजन बता रहा है, वो आपके पास आ गई. देयर फोर आई हर्ड माई सिस्टर डैश ऑन फोन, नाउ ये कॉमन सेंस है टॉकिंग ऑन फोन. माई मदर टोल्ड डैश द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे. नाउ पहली बात तो ये कि इसमें ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज बी सी और डी में से कुछ हो सकता है. माई मदर टोल्ड मी टू डू द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे. नाउ ये ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, बिकॉज टू डू द मी के बाद कॉमा, पहली बात तो यहाँ से बिकॉज पॉज आ जाएगा, एंड टू डू द रिपोर्ट बिफोर फ्राइडे. नाउ द डॉग डिग्स अंडर द फेंस. अब इसमें अब आप देखें तो द डॉग डिग्स अंडर द फेंस, अंडरलाइन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन इज एन एडजेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब फ्रेज है या वर्ब फ्रेज. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन चारों ऑप्शंस का मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल आप एडजेक्टिव फ्रेज को देखें तो एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन इन अ सेंटेंस. एडजेक्टिव फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जिसमें वो नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो. नाउ एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी प्लेस बिफोर और आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. इसमें ये देखें नाउन या प्रोनाउन के बाद नहीं आ रहा और ना उससे पहले आ रहा है. अंडर द फेंस जो है वो नाउन या प्रोनाउन के बाद या पहले नहीं आ रहा, ये वर्ब के बाद आ रहा है. अब इसकी अगर एग्जाम्पल देखें एडजेक्टिव फ्रेज की, लाइक अ पर्सन स्मार्टर देन मी या एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली डिलाइटेड, हाईली इमोटिव एक्टर, शी इज रेदर फॉन्ड ऑफ स्कीइंग. सेकेंड देखें तो नाउन फ्रेज, अब नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूजली अ नाउन इन एडिशन टू मॉडिफायर सच एज एडजेक्टिव एडवर्ब और आर्टिकल. नाउ इसकी जो एग्जाम्पल देखें द लिटिल बॉय, अब इसमें भी वो देखें तो नाउन को ही एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं. दी हैप्पी, द बिल्डिंग ऑन द कॉर्नर, द शार्प पेंसिल, योर रिलीजन. थर्ड इसमें देखें ऑप्शन एडवर्ब, अब एडवर्बल फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ एन एडवर्ब. अब एडवर्ब इसमें देखें डिग्स अंडर द फेंस, सो इट इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द वर्ब. नाउ इसमें देखा जाए तो ये एडवर्बल फ्रेज ये मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है. इसकी कुछ एग्जाम्पल भी देखें, आई केम हेयर येस्टरडे वंस अपॉन अ टाइम द लेडी लिव्ड हेयर. नाउ एड ये वर्ब को क्या कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ एन एडवर्ब. नेक्स्ट देखें तो वर्ब फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ वन टू थ्री लिंक्ड लिंकेज वर्ब. अब लिंकेज पहली बात ही वर्ब नहीं, अंडर इज नॉट अ वर्ब, एंड एक्शन वर्ब्स एंड समटाइम एनी कॉम्प्लीमेंट. बट फिर भी आप इसकी देखें, आई मस्ट मेक, इज राइटिंग, माइट ईट.
रिवाइज का अपोजिट वर्ड देखें, बिकॉज इसमें जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि आपने इसमें ऑप्शन पढ़ना है, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। अब वर्ड अपोजिट पढ़ना है तो ये देखें, रिवाइज्ड सेट है, फिक्स है, स्टेबलाइज। तो इसमें इक्वल जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा था। नाउ 25th, द एफ्लुएंट ऑफ मोस्ट विजिटिंग अरब्स इज एस्टोनिशिंग। अब इसमें अगर आप मतलब देखें तो एफ्लुएंट का मतलब क्या है? एफ्लुएंट का मतलब है अमीर, और इसमें अमीर, अब इसमें अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो ऑस्टेंशन का मतलब क्या है? दिखावा। अब दिखावा तो नहीं हो सकता। दी एफ्लुएंट ऑफ मोस्ट विजिटिंग अरब्स इन एस्टोनिश। इन्फ्लुएंस का मतलब भी पता है, एंड वेयर का मतलब है कोशिश, और इन्फ्लुएंस का मतलब है असर रसूख। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे वो वेल्थ लग रहा है, जो सेकेंड ऑप्शन है। आपको लगता है कि इनमें से कोई डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है तो प्लीज शेयर इट इन दी कमेंट सेक्शन। एट द एंड ऑफ ईच लेसन, ये हमने आज 25 MCQs को डिस्कस किया है, और हर MCQ को डिटेल में डिस्कस किया है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इट इन दी कमेंट सेक्शन। बल्कि अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको लगता है कि ये ऑप्शन है तो क्यों है। और अगर कोई आपको इसमें किसी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो वो भी आप पूछ सकते हैं। एंड इफ यू हैव लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अदरवाइज प्लीज डू शेयर द फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू। We'll be right back.